चलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज मिसेलियस क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 23 को सॉल्व करने जा रहे हैं हम। इसमें दो प्लेन गिवन है, टू एक्स माइनस वाई प्लस फोर जेड फाइव इक्वल टू फाइव, 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इक्वल टू 6। ये दो प्लेन गिवेन हैं, ठीक है। अब ये बताना है, चार ऑप्शन है कि परपेंडिकुलर है, कि पैरेलल है, कि इंटरसेक्ट y एक्सिस है, या पासिंग थ्रू 0.0054। चलिए चेक करते हैं परपेंडिकुलर कंडीशन क्या है। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर A1 बाई A2, जो डायरेक्शन जैसे होंगे A1 बाई A2 टू बाई फाइव, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, 2 × 5 प्लस -1 × -2.5 4 × 10, LHS में पुट कर दिया, ये 10, ये 2.5, ये 40, 50, ये होगा 52.5 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो परपेंडिकुलर तो नहीं है ये। अब चेक करते हैं कंडीशन ऑफ पैरेलल A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 ये इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करें, A1 बाई A2 2/5, B1 बाई B2 -1 -2.5 -- कैंसिल, 1 बाई 2.5 10/25 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 2/5 आ गया, ठीक है। C1 बाई C2 4/10 2/5 आ गया, तो सब 2/5 देखिए, यहाँ भी है 2/5 है यहाँ भी, तो ये क्या हुआ है, प्रोपोर्शनल हो गए। A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 तो क्या हुआ, पैरेलल। प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी, ऑप्शन बी पहला, ये हमारा आंसर है, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक, धन्यवाद, जय हिंद।